और सुनो, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हारे भी 50,000 डूब गए? डूबने चाहिए तुम्हारे तो। साले कमेंट करने के लिए बोला कुछ अच्छा सा, तुम झूठ लिखने पे आ गए। मतलब टॉप कमेंट दिख रहा है मुझे, ज्ञानी इज द मोस्ट थॉटफुल पर्सन। साला ये कमेंट पढ़ के मेरे दिल से निकल गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, क्योंकि मैं जानता हूँ यार खुद को थॉटफुल। मैं बोलने से पहले सोचता नहीं, थॉटफुल। साला कल मैंने बोला 1 रुपए की पेप्सी, अब 50 पैसे की पेप्सी कर दी सालों ने। ये कहता ये साला ऐसा दोस्त है जिसको ना चाहते हुए सपोर्ट करना पड़ता है। अबे तुम जाकिर खान हो, मैं तुम्हारा कुंतल हो रखा हूँ, जबरदस्ती जोक मार रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक कमेंट तो ऐसा था जिसपे मेरे को निर्वाणा प्राप्त हो गया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया भाई कहना क्या चाहते हो। ब्रो आई एम सब्सक्राइब यू, बट नेक्स्ट टाइम डोंट से एनी शेयर प्लीज। प्रभु इंग्लिश सिखा दो मुझे भी, मेरे को नहीं आती। क्या ये सच में दिल से आया अंकल मेरे? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ बट छोड़ो, इंटरनेट पे क्या चल रहा है? वही भंडारा, भंडारा वर्सेस संदीप महेश्वरी। अरे यार मैं ये टॉपिक ड्रामा कवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये ड्रामा बहुत पुराना है, सालों से चलता आ रहा है। बीच में पैचअप हो गया था, फिर से ब्रेकअप हो गया, रीबाउंड था इनका। अरे कुछ नहीं, मतलब बेसिकली क्या हुआ, संदीप महेश्वरी ने कुछ समय पहले, उसका होता नहीं वो प्रोग्राम वोग्राम जो फ्री में करवाता है, पैसे लेके कराता है, पता नहीं मुझे वो कराता है, तो उसमें एक बच्चा आ गया। उस बच्चे ने बोल दिया, नाम नहीं लिया किसी का भी, बस बोल दिया कि मेरे 50,000 डूब गए और कोई फायदा नहीं हुआ उससे, बट पैसा बनाने के लिए कहते तुम हमारा ही प्रोग्राम बाकी वो सजेस्ट करो, मतलब तुम्हारा कट गया है अब तुम दूसरा का कटवाओ। MLM मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे अलग लेवल की। अब इसमें किसी का नाम नहीं आया, बड़ा यूट्यूबर बोल दिया था, इस चक्कर में सबको लगा विवेक भंडारा है। मैं नाम नहीं ले सकता ना लीगल पर्पसेस, वरना लीगल नोटिस आ रहा होगा मेरे पास। तो इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, संदीप महेश्वरी ने फिर से एक लंबा सा पोस्ट किया कि भैया देख मैं डिलीट नहीं करने वाला वीडियो, हम पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, हम नहीं करेंगे डिलीट, हम नहीं करेंगे। मैं कहा शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट, डू इट, ये वीडियो लाइक करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता लाइक। पता चला साला जो देख रहा वीडियो, कहना नहीं करूंगा, नहीं हो सकता, हमसे ना हो पाएगा। अबे अब इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बैकग्राउंड में संदीप भाई ने फिर से एक वीडियो, मतलब वीडियो क्या, एक और पोस्ट डाल दी लंबी चौड़ी कि मेरे घर पे बंदे आ रहे हैं, मुझे मेरी टीम को लीगल की धमकियां दे रहे हैं, विवेक का नाम लेके, इस बार भंडारे का नाम लेके बोल दिया। तो इस बार भंडारा भी आ गया कि भैया वो बच्चा क्या है, मेरे को बात करनी है फेस टू फेस, तुम्हारे पास गट्स नहीं है, गट्स नहीं है। मैं कहा वो छोड़ो, वो जो बंदा घर पे आया था उसका बताओ मेरे को। पता जवाब में क्या लिखा उसने कि वो बंदे आए थे ट्रू, बट वो बंदे सिर्फ इसलिए आए थे ताकि मेरी बात कन्वे कर सके या मीटिंग फिक्स कर सके, क्योंकि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। तो मैं ये फुद्दू लॉजिक दे रहे, तो मेरे को लॉजिक दे रहा कुछ, अगर मेरा नंबर ब्लॉक हो गया मैं पापा का नंबर लेके कॉल कर लूंगा, भाई का नंबर लेके कॉल कर लूंगा, बंदे कौन भेजता है घर पे, मैं फुद्दू मीट अपॉइंटमेंट फिक्स, लेटर भेज देता, ईमेल कर देता। अगर तेरा नंबर ब्लॉक्ड है, तेरी ईमेल आईडी ब्लॉक्ड है, अरे दूसरे के नंबर से कर ले भाई। और ये जो किया है ना तुमने, ये वो बात नहीं होती कि हाँ मेरे को शॉर्ट करना है या मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये तो वही है ना थ्रेटन करने की चीज कि टीम को धमकाओ, महेश्वरी की फैमिली को धमकाओ कि हाँ मेरे पास अप्रोच है, ये तो फुद्दूगिरी है। और साला जस्टिफिकेशन में क्या कह रहा है, मैं 10 दिन का MBA प्रोग्राम करने वाला हूँ फ्री में। अरे तो मेरे को क्या बता रहा है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, तू मेरे को पैसा देके बुलाएगा तब सोचूंगा मैं, वरना उसमें भी नहीं जाऊंगा मैं। भाई मेरे को भंडारा बिल्कुल पसंद नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं एक्चुअल भंडारा पसंद है, ये ऑनलाइन वाला भंडारा पसंद नहीं है मुझे। इस बंदे में पता नहीं क्या एरोगेंसी वाली वाइब है यार, बहुत ज्यादा गंदी वाइब है। संदीप के पास फिर भी ना थोड़ी पॉजिटिव वाइब दिखती है मुझे, इसमें वाइब भी बहुत नेगेटिव वाइब आती है मेरे को यार। पता नहीं कैसे लोगों को पसंद है और क्यों लोग पैसा खर्च करते हैं ऐसे कोर्स के लिए। और मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ भंडारे का नहीं, ऑनलाइन में जितने भी तुम्हें देखते हैं ना, ये चाहे तुम्हें यूट्यूबर बना देंगे, ये मेरा टूल किट ले लो, या तुम्हें बिजनेसमैन बना देंगे, कोई तुम्हें नहीं बना सकता। तुम शुरू करोगे, तुम गलती करोगे, तुम फेल करोगे, और फिर उन गलतियों से समझ के सीख के तुम इम्प्रूव करोगे और तब तुम आगे बढ़ोगे। कोई अपनी गलतियों से तुम्हें सिर्फ ज्ञान बांट सकता है, सिर्फ ज्ञान बांट सकता है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। और कोई कोई टेक्निक नहीं है, कोई की नहीं है इस चीज़ के लिए कि हाँ ये करेंगे तो व्यूज आ जाएंगे या ये करेंगे तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। अबे तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई तुम्हें सिखाने के लिए पैसा चार्ज कर रहा है वो उसका ही बिजनेस है, ये ही बिजनेस है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट हो गया वो बिजनेस हो गया मेरे भाई। भाई साहब ये आयरनी है इस देश की, ये इस दुनिया की, कि 300 रुपये में इंसान का शरीर बिक जाता है, दिमाग बेचने के लिए 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। ट्रू स्टोरी ब्रो। 300 रुपये वाला जोक समझ में नहीं आएगा तुम्हें, मालूम है मुझे, तुम हो ना पोगो देखने वाले।
कुछ भी तो मेरा जो ओपिनियन है इसमें कुछ नहीं है, रद्दी कर रद्दी पड़ा है, ये सब रद्दी पड़ा है, बकवास चीज मत पढ़ो इन सब में। पैसा देने की बात है मत दिया करो, मत दिया करो, पढ़ो ही मत। जहां पे बोले ना पैसा लगता है मैं सिखा देगा तेरे को, ये वही बाबाओं की तरह होते हैं जो बोलते हैं ना अंगूठी पहनो सक्सेसफुल हो जाओगे। इस अंगूठी पे नजर मत मारना, ये अंगूठी मैं इसलिए नहीं पहनता कि मेरा गुस्सा कम होता है इससे, ये अंगूठी मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बस। चल झूठा, तो दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, इतना सिंपल कहेंगे। बाकी सेकंड टॉपिक क्या है? बिग बॉस। अरे कुछ नहीं, मतलब बेसिकली क्या हुआ है, मैंने सेकंड चैनल पे बिग बॉस कवर करता हूँ, और जो भी देखते हैं वहाँ पे उनको पता है रेगुलर बिग बॉस कर रहा हूँ और उनको मजा भी आता है, वो बिग बॉस वाली ऑडियंस है। सो वहाँ पे मैंने आज तारीफ कर दी मुनव्वर की, क्योंकि ऐसी कुछ बात हुई थी। मैंने बोल दिया अंकिता दीदी फंस गई, अभी वीकेंड का वार शूट हुआ, अब तक मैं वीडियो शूट कर चुका था, एडिट कर रहा था या एडिट करके अपलोड कर दिया था, तब मुझे पता चलता सलमान खान ने मुनव्वर की क्लास लगा दी। मतलब मैंने वीडियो में जिस चीज़ के लिए मुनव्वर की तारीफ करी, अंकिता लोखंडे को बैश किया, सलमान खान फ्लिप कर गया, उसने अंकिता को बचाया, मुनव्वर को गालियां दे दी, मतलब बैश कर दिया। मैं कहा फुद्दू ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम? अरे फेवरेटिज्म रखना है, बायस रखना है, रखो, बट इतना गलत कैसे हो सकते हो बे? जहां तक खबर आई है उसके हिसाब से मुनव्वर को इस बात पर झाड़ा गया है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए नहीं करी, सबके सामने डेमोक्रेटिकली कर दी, उसको अंकिता को साइड में ले जाके बोलना चाहिए था। मैं कहा एक मिनट, तुम इस चीज़ पे डांट रहे हो उसको कि उसने डेमोक्रेटिक वे से सबको बताया कि, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबके सामने ये बात करी और सबके साथ मिलकर डिसीजन ले, क्योंकि वो कैप्टन है। अगर वो अकेले करता ये चीज़ दोस्ती के नाते भी, तो भी तुम इसी बात पे डांट रहे होते कि इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है तुमने अकेले में कैसे कर दी। ये तो वही है ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, पेड़ के पकौड़े, ये कौन सा शो बना रखा है तुमने? और अभी खबर आई खानजादी को निकाल फेंका इन लोगों ने, खानजादी निकल गई नील भट्ट के सामने। भाई जो चार नॉमिनेटेड थे ना उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खानजादी थी, उसके बाद अभिषेक, तीसरे पे विकी, चौथे पे नील भट्ट। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? ले बिग बॉस मेकर्स, मैं नहीं बताऊंगा। ये बस बताया है मैंने तुम्हें कि ये हुआ, ऐसे खबर आई है, बाकी कल प्रोमो आएगा तब सेकंड चैनल पे पूरा झाड़ूंगा मैं सलमान खान और बिग बॉस को, दोनों को। बाकी तुम में से किसी की बंदी बनी है क्या? पता चला भाई मैं लड़की हूँ, हाँ तो बंदी बनाओ, बंदी पटाओ, किसी ने रोका तुम्हें? वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? लड़कों को फट मिल नहीं रही, क्या पता लड़कियों को ही मिल जाए। नहीं नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का ब्रेकअप हो गया। अच्छा है, अभी खबर आई है एजाज खान का ब्रेकअप हो गया है। कौन है इसकी बंदी? पवित्रा पुनिया से। मैंने सीजन नहीं देखा, मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ एजाज खान की, क्योंकि मैं मिला हूँ इससे। तो बात है कब की, 2011 के करीब में 11 में दिसंबर का टाइम था, दिसंबर नवंबर का टाइम था। तो मैं ना पार्ट टाइम जॉब करता था, पार्ट टाइम का दो जॉब करता था। तो मैं वो मेडिकल स्टोर होते ना 98.4, उनका ऑडिट करवाता था। तो हम रात में गुड़गांव में कहीं पर कर रहे थे ऑडिट, रात के 2 बजे के करीब में आया बंदा चार लॉन्डों के साथ स्लीपिंग पिल्स बाय करने में। क्या मेरे को थोड़ी मालूम, बट स्लीपिंग पिल्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं सकते। कहता मेरी बहन की शादी है, ये है वो, मुझे पता भी नहीं इसकी बहन है भी नहीं, मैं बस चेहरा जानता था, नाम भी नहीं पता था मुझे। उस टाइम मेरे पास नया नया फ़ोन आया था कैमरे वाला, मैं कहा फोटो खिंचा दो, बाकी सारे लोगों ने पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं मालूम, मैंने शक्ल से पहचाना। हालांकि उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, उसने मानवली कर दवाई तो ले ली, ये बताना चाहिए था मुझे, पता नहीं जो भी है मेरे को क्या लेना, 10 साल पुरानी बात है। बाद में मेरे को डांट रहे साले तूने स्पेशल फील करा दिया, हम तो भाव भी नहीं करते। मैं कहे साला फेसबुक पे डालूंगा मैं, वो फोटो है कहीं पे फेसबुक पे ही है कहीं पे, बट कहाँ है ये नहीं दिखती मुझे। अबे मैं नाम याद नहीं रहता है इसका मेरे को, गजब बेइज्जती है। हाँ तो बस यही कहानी सुनानी थी, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हसल चल रहा है यार। अरे पता नहीं वो केतन शर्मा सुनने लग गया हूँ मैं, उस चक्कर में मेरे को सजेशन भी आ जाता है, फिर मैं वापस चला जाता हूँ जियो सिनेमा पे देखने के लिए। वैसे भी आज बिग बॉस चल नहीं रहा लाइव पे, तो मैं चला गया देखने के लिए। अब उसके चक्कर में पूरे एपिसोड देख लेता हूँ मैं, मतलब उतना ही पोर्शन देखता हूँ केतन शर्मा का। बाकी उदय का तो सही है यार, उदय भी बहुत सही है। कि बॉब क्या है, बॉबी का क्या सीन है? इक्का की टीम का था ना ये हनी सिंह बॉबी और ये सियापा का कोई सीन हो गया था ना? छोड़ अपने को क्या लेना, सियापा है वो पाए, हम क्या करें, हम तो मजे की साइड से। मैं बता रहा हूँ कमेंट में मजे लेना ना ढंग से लो, कि मुझे भी मजा आए, झूठ लिखने की जरूरत नहीं है। अबे साला आई ना देख के आना पड़ा, मैं ये तुम्हें पता है ना मैं वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं बनाता, जो मन में आता बोल जाता हूँ। साला मेरा ही गाना है, ऑफेंड होना है एक लाइन है, बातें जो तुम अपने मन में रखते मैं सबके मुंह पे कह जाता।
सही बात है, गाना रिलीज नहीं किया मैंने आज तक। अबे 16 दिसंबर आ रही है वाला, अरे कास्टम होते हैं यहाँ का, मैंने बहुत प्रमोशन किया था ना 16 दिसंबर, तो फेसबुक मेमोरी में मेरे को कास्टम होते हैं दिखाता रहता है। नहीं सुना तो देख लेना, कास्टम होते हैं बहुत सही गाना है, वो भी सपने पे लिखा हुआ है। सबकी शादियाँ हो गई हैं, जो दर्द दिया मेरे भाई को दिल से ना, वो गाना याद आया मेरे को, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सुनना बहुत सही गाना है, चलो लाइक कर देना, पीस आउट।